अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप इस बेल पर क्लिक कर देते हैं तो जो भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मानसीज किचन। आज हम बनाएंगे पनीर मखनी हरियाली। ये सब्जी बनाने में बहुत ही ईजी है और खाने में बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लगती है। आप इसे रोटी और राइस के साथ बना के सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए फ्रेश पनीर। पनीर को मैंने थोड़े बड़े पीसेज में कट किया है। साथ ही लेंगे टमाटो प्यूरी। टमाटर को मैंने मिक्सी में पीस लिया है। इसी तरह से प्याज को भी मैंने मिक्सी में पीस लिया है। यहाँ मैंने ये ग्रीन प्यूरी तैयार की है। इसको मैंने पालक, हरे धनिए और मेथी के साथ बनाया है। हरे धनिए की और पालक की क्वांटिटी हम बराबर रखेंगे, मेथी की क्वांटिटी हम थोड़ी कम रखेंगे क्योंकि मेथी थोड़ी बिटर टेस्ट देती है। साथ ही लेंगे बटर, बटर से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। नमक, हल्दी, गरम मसाला और धनिया पाउडर। अच्छे फ्लेवर के लिए हम ऐड करेंगे चना मसाला, लेकिन ये ऑप्शनल है। बारीक कटा हुआ गार्लिक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ अदरक, कस्तूरी मेथी, नमक, ये आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। और साथ ही हम लेंगे सभी साबुत मसाले। पैन में हम ऑयल गरम करेंगे जिसमें हम डालेंगे बटर। यहाँ पे मैंने फ्लेवर्ड बटर यूज़ किया है। इसमें गार्लिक का और ऑरिगैनो का बहुत अच्छा फ्लेवर है। आप कोई भी बटर यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। जैसे ही ये मेल्ट हो जाए इसमें हम ऐड करेंगे गार्लिक, जिंजर और सभी साबुत मसाले, जिसमें मैंने लिया है तेजपत्ता, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और काली मिर्च। इनको एक दो सेकंड के लिए अच्छी तरह से सौते कर लेते हैं। जैसे ही सभी चीज़ें सौते हो जाएं, इसमें हम ऐड कर देते हैं अनियन प्यूरी, और इसको भी हमें तब तक पकाना है जब तक इनका कच्चापन अच्छी तरह से निकल ना जाए। सभी चीज़ें अच्छी तरह से कुक हो गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी और हम डालेंगे इसमें पालक, मेथी और धनिए की प्यूरी। पालक को और मेथी को हमने कच्चा ही पीस लिया है, इसलिए ये पूरी तरह से अभी कच्चे हैं, तो इसे अभी हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे। आप चाहें तो इसे पहले बॉयल कर सकते हैं और उसके बाद भी इसको पीस सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं शुगर। ये लगभग 1 टेबल स्पून शुगर है। चीनी को हम अभी ऐड करेंगे। चीनी पालक का ग्रीन कलर मेंटेन करने में बहुत हेल्प करती है, इसलिए इसको अभी ऐड कर देंगे। और अब हम इसको ढक देते हैं और मीडियम फ्लेम पे इसे 10 मिनट के लिए पकने देंगे। दस मिनट हो गए हैं, ग्रेवी में बॉयल्स आ रहे हैं और ये अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। अब हम इसकी सीजनिंग करेंगे, जिसमें हम सभी मसाले और नमक इसमें ऐड कर देते हैं। हमने यहाँ पर रेड चिली पाउडर बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है क्योंकि आज हम ग्रीन चिली यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। ग्रीन चिलीज भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून टमाटो केचप। इसको मैं स्टार्टिंग में इंग्रेडिएंट लिस्ट में आपको दिखाना भूल गई थी, और इसको भी मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा ऐड करेंगे पानी। इसकी कंसिस्टेंसी आप जिस तरह से रखना चाहें उस अकॉर्डिंग आप इसमें पानी ऐड करें। फिर से इसको ढक देते हैं और 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे और पकने देते हैं। देखिए 7-8 मिनट हो चुके हैं, ग्रेवी अब थिक हो गई है। इसमें हम ऐड करेंगे क्रीम। यहाँ मैं घर की मलाई यूज़ कर रही हूँ, और इसको भी मिक्स कर लेंगे।
लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे कस्तूरी मेथी, जिसको इस तरह से क्रश कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा बटर यहाँ पे और यूज़ कर सकते हैं। अब फाइनली हम इसमें डालेंगे पनीर पीसेस और इसको मिक्स करेंगे और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए एक बार इसको फिर से कवर कर देते हैं। 1-2 मिनट बाद सब्जी अब पूरी तरह से तैयार है और पनीर पीसेस भी अब सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको सर्व कर देते हैं। पनीर मखनी हरियाली रेडी है। इस रेसिपी को आप भी अपने घर पे ट्राई करिए और आपके जो भी एक्सपीरियंस हो वो आप मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।